सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द महिंद्रा गुरु द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज फिर से आपकी हाई डिमांड पे हम इसका बहुत ही जल्द लेकर आ गए हैं पार्ट सेकंड, जिसमें आज फिर से आप सीखेंगे 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसका पार्ट फर्स्ट हम लेकर आए थे आपके साथ। यहाँ पर 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में थे, हमने आपसे डिस्कस किया, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से रहा, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आपके लिए बहुत ही जल्द यानी फिर से लेकर आए हैं 100, और इसको लेने के बाद आपको टोटल 200 आपके पास हो जाएंगे, और फिर आगे भी हम लोग इसका पार्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लाते रहेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसे होंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, एक सेंटेंस होगा और आपके लिए उसके लिए 4 ऑप्शन होंगे। जो ये 4 ऑप्शन है, ये भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ही ऑप्शन हैं। तो सेक्शन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और चीजों को इजिली लर्न हो जाए आपको, इस तरीके से इस फॉर्मेट में इसको डाला गया है। तो चलिए लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, और वो आपके सामने ये रहा। सेंटेंस फर्स्ट क्या कहता है? गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, जो वर्शिपर्स की गैदरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या ये ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, कनेसोर? क्या सेकेंड हो सकता है, बी ऑप्शन, कॉन्ग्रुएंट? तीसरा हो सकता है कॉन्ग्रीगेशन, या चौथा हो सकता है आपका कॉन्स्क्रिप्शन? तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर करें और हमें बताएं कि आखिर गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स को क्या कहा जाता है। सो बिल्कुल सही जवाब यहां पर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आपका जो आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर, दैट इज कॉन्ग्रीगेशन, यानी गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स को कहते हैं सर कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन को कहते हैं सर गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि जो वर्शिपर्स हैं, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा होना, क्या कहते हैं उसको, धर्म संगति, उसे हम कहते हैं सर कॉन्ग्रीगेशन। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें, तो बाकी जो हमारे ऑप्शंस है उसमें कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मींस होता है आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब आप कह सकते हो हिंदी में इसको कहते हैं सर्वांगसम, क्लियर है। सेकंड वी हैव दैट इज कैनोसोर, कैनोसोर मींस होता है वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट या आर्ट, यानी कोई ऐसा इंसान या कोई भी जो किसी भी सब्जेक्ट या आर्ट में वेल वर्स्ड है, मतलब पूरी तरीके से होशियार है, पूरी तरीके से वो उसमें एक्सपर्ट है, दैट पर्सन इज एक्चुअली नोन एज कॉनोसोर। एंड थर्ड वी हैव दैट इज कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन दैट मींस कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज, कंपल्सरी इनलिस्टमेंट, कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज, उसको हम कहते हैं कॉन्स्क्रिप्शन हिंदी में, इसको कहते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कंपल्सरी है किसके लिए, फॉर मिलिट्री अदर सर्विसेज के लिए, इट मींस कोई भी अनिवार्य सैनिक सेवा जिसे जो होती है उसे, इसको हिंदी में कहते हैं अनिवार्य सैनिक सेवा। मैं आपको हिंदी भी बता रहा हूं, तो एक चीज ध्यान से देखते चलिएगा। पहला हमने क्या बताया सर, यहां पर जैसा फर्स्ट वर्ड था कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है जो धर्म की, मतलब पूजा पाठ करने वालों की जो इकट्ठा होना, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों सर्वांगसम, हिंदी में अगर लीजिए तो इसको कहते हैं सर्वांगसम, यानी आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। तीसरा कॉन्सोर, दैट मींस यहां पे कह रहे वन हु इज वेल वर्स्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑल सब्जेक्ट्स का या आर्ट का, आर्ट में वेल वर्स्ड होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्सोर। और फोर्थ है हमारा आपका कॉन्स्क्रिप्शन, दैट मींस कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज, मतलब आप कह लीजिए हिंदी में अनिवार्य सैनिक सेवा, राइट। तो प्यारे बच्चों, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आपका स्कोर हमें लास्ट में जरूर बताइएगा। 25 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। बढ़ चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड, और वो आपके सामने ये रहा। चलिए आंसर दीजिए और यहां पे बताइए कि विच इज स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, जो फिजिकल टच या कॉन्टैक्ट से बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं संक्रामक रोग, बढ़ता है ना, कहते ये संक्रामक बीमारी है, संक्रामक रोग है। अब संक्रामक रोग है तो वो संक्रामक का इंग्लिश क्या होगा, इज इट कंटेम्पररी, इज इट कॉन्टेजियस, या ये आपका है थर्ड है कॉन्टिगुअस, या चौथा है आपका कॉन्ट्राइट, कौन सा करेक्ट होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बताइए। सो बिल्कुल सही आंसर यहां पर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस मीन्स होता है संक्रामक, हिंदी में इसको कहते हैं संक्रामक, यानी विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट, हाथ से हाथ टच हुआ और वो फैल गया, जैसा कि अभी प्रेजेंट में आप देख रहे हो केरल में एक वायरस फैल रहा है, बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। आप लोग अगर अपडेट हो तो आपको पता होगा कि वहां पर बहुत बुरी तरीके से वायरस टच से फैल रहा है और लगभग 12 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, उस टाइप के हम वायरस को क्या कहेंगे सर, कॉन्टेजियस, क्योंकि वो संक्रामक बीमारी है, वो मतलब टच से फैल रही है वो चीजें।
बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर कंटेम्प्ररी दैट मींस ऑफ द सेम टाइम, जो एक ही समय का होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं समकालीन, इसका हिंदी मीनिंग होता है समकालीन, याद रखिएगा। कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस मींस टू कंट्रीज और स्टेट्स टचिंग अ कॉमन बाउंड्री, मतलब एक ये कंट्री दोनों एक ही बाउंड्री को टच कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सर कॉन्टिगुअस, इसको हिंदी में कहते हैं जो समीप की होती है, नियर की होती है, उसे हम कहते हैं सर कॉन्टिगुअस, यानी समीपस्थ इन हिंदी, राइट। थोड़े से हिंदी को भी आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है हर एक वर्ड का। नेक्स्ट वी हैव दैट इज कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट मींस शोइंग डीप सॉरो और रॉन्ग डूइंग, मतलब क्या है, जो डीप सॉरो, जो बहुत ही डीप सॉरो क्या कर रहा है, शो कर रहा है, या रॉन्ग डूइंग को शो कर रहा है, इसका मतलब वो इंसान पश्चाताप कर रहा है। तो कॉन्ट्राइट का हिंदी मीनिंग होता है प्यारे बच्चों पश्चाताप करना, पश्चाताप यही होगा शायद हिंदी में, इसको ऐसे ही लिखेंगे, पश्चाताप करने वाला जो होता है ना उसको कॉन्ट्राइट कहते हैं। तो पश्चाताप करने वाला यानी पश्चातापी कह लीजिए, ठीक है। शोइंग डीप सॉरो और रॉन्ग डूइंग, तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ बिल्कुल, यहां पर यशोदा आप जो कह रही हैं कि ये कहां पे फैल रहा है, सो लेट मी टेल यू, ऐसे वायरस हमेशा कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। जैसे इबोला वायरस कुछ सालों पहले आया था तो कई जगह पे मतलब कई लोग मरे थे इबोला वायरस से, सैकड़ों की संख्या में लोग मरे थे। वैसे ही अभी प्रेजेंट में वायरस आ गया है आपके केरल में और बहुत ही बुरी तरीके से ये लोगों की डेथ हो रही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में बढ़ चलते हैं। थर्ड सेंटेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, बीमारी के बाद जो ग्रेजुअली रिकवरी का जो टाइम होता है, मतलब बीमार होने के बाद जो इंसान जिस समय सही होता है, उस सही होने वाले टाइम को हम क्या कहते हैं, यानी बीमारी के बाद फिर से सही होना, बीमारी के पश्चात पुनः सही होना, उसे हम क्या कहते हैं, उस टाइम को क्या कहते हैं। कम ऑन गाइस, क्या ये आपका कन्वेंटिकल होगा, क्या ये आपका कॉकेट होगा, कोरोनेशन होगा, या कन्वेलेसेंस होगा, क्या होना चाहिए, क्विकली गाइस आंसर करेंगे जल्दी से इसका। ऑप्शन नंबर फोर्थ की तरफ ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं, तो क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ है, तो आई थिंक आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि बिकॉज यहां पे आपका द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस इज नोन एज कन्वेलेसेंस, दैट मींस बीमारी के पश्चात जो फिर से रिकवरी करना, मतलब अपनी हेल्थ को फिर से पाना। जैसे कोई इंसान बीमार पड़ गया, एकदम पतला दुबला हो गया और फिर से खा पी के अच्छे से फिर मोटा ताजा हो रहा है, इस पीरियड का जो ये जो टाइम है इसको हम कहते हैं कन्वेलेसेंस। बाकी ऑप्शंस में आ जाइए, तो बाकी ऑप्शंस में है आपका कन्वेंटिकल। कन्वेंटिकल दैट मींस सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग, सीक्रेट एंड इलीगल, दैट्स नॉट लीगल, दैट्स इलीगल रिलीजियस मीटिंग, यानी कि एक ऐसी मीटिंग जो इलीगल है एंड चोरी छुपे हो रही है, राइट। तो एक इलीगल मीटिंग है और चोरी छुपे हो रही है, यानी कि ऐसी, और मीटिंग कौन सी है, रिलीजियस मीटिंग है। रिलीजियस मीटिंग मतलब धर्म की सभा है जो इलीगल है, गैर कानूनी है और चोरी छुपे हो रही है, तो गुप्त गैर कानूनी धार्मिक सभा इज नोन एज कन्वेंटिकल। नेक्स्ट वी हैव दैट इज कोकेट, बहुत अच्छा वर्ड है। कोकेट मींस अ सेडक्टिव वुमन हु यूजेस हर सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट मैन। ऐसी बहुत सारी आप देखेंगे, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो क्या करती हैं, जो मेन को एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्हें सीड्यूस करती हैं। तो अगर जो भी ऐसी वुमेन हैं उन्हें हम कहते हैं कोकेट, बहुत अच्छा वर्ड है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कोकेट। कोकेट, कोकेट मींस होता है अ सेडक्टिव वुमेन हु यूजेस, यानी जिसको आप कह सकते ऐसे जो दिल फेक, हर मेन पे जिसका दिल आ जाए उसे आप कह सकते हो कोकेट, यानी हर मेन पे जिस आदमी को देखा थोड़ा सा स्मार्ट लगा और दिल आ गया उस पे, उसे कोकेट कहते हैं, उस लड़की को, उस वुमेन को कोकेट कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज कोरोनेशन। कोरोनेशन मींस सेरेमनी ऑफ क्रोनिंग अ किंग, एक किंग को की सेरेमनी करना, जिसको हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे राज्याभिषेक, राइट, दैट इज राज्याभिषेक, राजा का अभिषेक करना, दैट इज राज्याभिषेक, यानी कि आपका दैट इज कोरोनेशन। तो प्यारे बच्चों, जो मैं हिंदी लिख रहा हूं, आप इस वीडियो को बाद में सुन के, अगर जिनको हिंदी में रिक्वायरमेंट है, हिंदी इसमें लिखी हमने नहीं है, आप इसका इंग्लिश में भी देखिए, प्लस हिंदी में भी आपको जरूरत पड़े तो नोट कर सकते हैं, है ना। और कुछ लोग कह रहे हैं कि कोकेट का मतलब दिल लगी करने वाली, तो कह सकते हो, दिल लगी करने वाली भी कह सकते हो, लेकिन एक से दिल लगी करे उसको नहीं कहेंगे प्यारे बच्चों, जो हर किसी से दिल लगी कहे उसे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, इसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट वी हैव द इज अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री,
यानी एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को अपना, हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, अपना देश समझता, पूरी दुनिया को अपना घर समझे, जो हर जगह रह रहा है, उसे क्या कहेंगे? जो पूरी दुनिया को अपना घर समझ रहा है, अपना देश समझ रहा है, पूरी दुनिया का निवासी है, पूरी दुनिया का रेजिडेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या ये क्रेडुलस हो सकता है? क्या ये आपका क्रिमेटरी हो सकता है, कॉस्मोपॉलिटन हो सकता है, या क्रिपल हो सकता है? बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे और हमें आंसर करेंगे। और जैसा कि आपका कुछ बच्चों का ऑप्शन नंबर कॉस्मोपॉलिटन आ रहा है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर गोइंग विद दिस ऑप्शन एंड आई थिंक आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन दैट मीन्स जो पूरी दुनिया का निवासी है, जो पूरी दुनिया को अपनी कंट्री समझता है, उसे हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज क्रेडुलस। क्रेडुलस दैट मीन्स वन पर्सन, वन हु इज सिंपल एंड इजली बिलीव्स वॉट एवर इज टोल्ड। मतलब किसी इंसान जिससे कुछ भी कहा जाए वो तुरंत भरोसा कर ले, यानी उससे कुछ भी कहा गया, वन हु इज सिंपल एंड इजली बिलीव्स, जो आसानी से बिलीव कर देता है जो कुछ भी उससे कहा जाए। होता है ना कभी कभी किसी से कुछ भी कहो और उससे जो कहो वो मान लेता है तुरंत, है ना? तो सर हर बात मानने वाला भी इंसान समझदार नहीं, वो बेवकूफ माना जाता है। ऐसे इंसान को हम कहते हैं सर क्रेडुलस, है ना? क्रेडुलस, उसको क्रेडुलस कहते हैं जो हर बात को मान लेता है, जिसको हम कहते हैं हर बात का विश्वासी। क्रिमेटरी दैट मीन्स द प्लेस फॉर कॉर्प्स टू बी बरीड। मतलब इसका आपका सेमेट्री, क्रिमेट्री गिवन है, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर कॉप्स को, कॉप्स मतलब मुर्दों को बर्न किया जाता है, तो उसको बर्न करने वाली जगह कौन सी होती है? उसको कहते हैं शमशान घाट। तो शमशान घाट यहां पर है। नेक्स्ट है आपका क्रिपल, दैट मीन्स समवन हु इज अनएबल टू वॉक नॉर्मली बिकॉज ऑफ एन इंजरी और डिसेबिलिटी टू द लेग्स और बैक। यानी जो इंसान अनेबल टू वॉक, वॉक करने में सक्षम नहीं है, किसकी वजह से? इंजरी की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, ये कहां कहां पर, या तो लेग में है या तो उसके बैक में है। ऐसे इंसान को हम कहते हैं हिंदी में अपंग, है ना? इसको हम क्या कहते हैं सर? हिंदी में अपंग कहते हैं, अपंग दैट मीन्स क्रिपल। तो क्रिपल का हिंदी मीनिंग होता है सर अपंग, राइट? हाँ बिल्कुल, कॉप्स मतलब डेड बॉडी होता है, ब्रजेश पांडे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, राइट? सो आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है, आप सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड हियर इट इज, एन ऑर्डर दैट सर्टेन एक्टिविटीज मूवमेंट आर प्रोहिबिटेड। एक ऐसा ऑर्डर जहां पे कुछ एक्टिविटीज और मूवमेंट को प्रोहिबिट कर दिया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, बाहर निकलने से मना कर दिया जाता है, क्या कहेंगे उसको? एक ऐसा ऑर्डर कि आप बाहर नहीं निकल सकते, हम उसे क्या कहते हैं? कर्फ्यू, साइनोसॉर, डेड या डेमागॉग, कौन सा करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, बताइए? एंड बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका आंसर 100% बच्चों का करेक्ट होगा, दैट इज कर्फ्यू। क्योंकि कर्फ्यू जब लगता है शहरों में तो किसी को बाहर निकलने दिया जाता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, कुछ बी मार्क कर रहे हैं अभी भी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। साइनोसॉर हमने पढ़ाया भी है, डायनासोर से कनेक्ट करके, साइनोसॉर मींस होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोसॉर दैट मींस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी आप इसको कहते हैं आकर्षण बिंदु। नेक्स्ट वी हैव डेड। डेड का मतलब क्या है? लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, एक ऐसी जो बेकार हो चुकी, दैट इज नॉट ओनली, दिस डेड वर्ड इज नॉट ओनली फॉर लैंग्वेज, दिस डेड वर्ड कैन बी यूज फॉर एनीथिंग दैट इज नॉट इन यूज, राइट? कोई भी चीज जो यूज में नहीं है हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसको हमने इसमें क्यों डाला? क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था अ लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, उसका यहां पर आंसर है डेड, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर डेड को डाला हुआ है, सो दैट आपको यह भी पता रहे कि ऐसा भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में आता, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव दैट इज डेमागॉग। डेमागॉग दैट मींस पॉलिटिकल लीडर हु डिलीवर सेंटीमेंटल स्पीचेस, यानी एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो डिलीवर करता है सेंटीमेंटल स्पीचेस। सेंटीमेंटल स्पीचेस मतलब एक ऐसी स्पीच जो पब्लिक को सेंटीमेंट करती है, सेंटीमेंटल स्पीच है। इट मींस व्हाट? इट मींस प्यारे बच्चों, वो स्पीच यहां पर उनको आप कह सकते हो भावुक करती है, या आप कह सकते हो उत्तेजित करती है। तो दिस इज समथिंग लाइक कि उत्तेजित करने वाली पॉलिटिकल लीडर की स्पीच, राइट? सो यहां पर आप उसको इससे याद रख सकते हैं। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज कर्फ्यू। यस, जी हाँ, साइनोसॉर दैट मींस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मैं पढ़ा भी चुका हूं। साइनोसॉर, डायनासोर, अगर कहीं पार्टी में डायनासोर आ गया तो वो साइनोसॉर होता है, तो इस टाइप से याद रखना, याद कराया भी था हमने, तो आई थिंक आपको याद होगा और एग्जाम में भी पूछा गया, इसलिए हमने लिया यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन द लास्ट क्लास, इन द प्रीवियस क्लास ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
I had told you that if you see this crazy word, तो this crazy word we use only for government. हम crazy word use करते हैं केवल government के लिए, केवल कोई ना कोई government है उसके लिए use करते हैं. अब यहां पे तो जाहिर सी बात है एक ही crazy है, तो आपका answer भी यही democracy हो जाएगा. बाकी options में आ जाइए तो next we have that is depraved. Depraved that means morally bad or evil. यानी कोई भी ऐसी चीज जो morally bad है और इविल है. मोरली मतलब यहां पे मोरल नहीं है, मोरल क्या है, बैड है. और क्या है, इविल है. इसको हिंदी में अगर आप यूज करो तो देखो मोरल का मतलब क्या कह सकते हैं, मोरली होना मतलब उसका चरित्र अच्छा होना, लेकिन चरित्र यहां पर क्या है, बैड है और इविल है. इट मीन्स चरित्र खराब है, तो खराब चरित्र वाला यहां पर कह सकते हैं दैट मीन्स डिप्रेव्ड. खराब चरित्र, बैड चरित्र या चरित्र भ्रष्ट भी कह सकते हो हिंदी में. फाइन. Next we have that is deprecate. Deprecate that means express earnest disapproval of. क्या express करना, disapproval. Disapproval देखो approval मतलब सहमति and disapproval मतलब असहमति. It means विरोध, तो विरोध प्रकट करना को कहते हैं सर deprecate. Fine. और जहां एक चीज और सिंपल सा आप जानते हो कि D आ जाता है तो generally वो word 90% words negative हो जाते हैं. आगे आता है सर डेनिजन. डेनिजन मींस अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेसेस. ऐसी जगहों पे, कुछ स्पेशल जगहों पे पाए जाने वाले कुछ पर्सन, एनिमल या जो भी हैं उसको हम कहते हैं सर डेनिजन. यानी हम उन, वो कौन है, वो उन जगहों पे पाए जाते हैं. तो उन जगहों पे पाए जाना मतलब उन जगहों पे रहने वाले. तो उन जगहों पे रहने वाले को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनहैबिटेंट. मतलब हिंदी में आप कह सकते हो निवासी. तो डेनिजन का मतलब होता है सर निवासी, हिंदी में इसको याद रख सकते हैं आप. फाइन. नेक्स्ट वी हैव द मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेस. मेडिकल स्टडी किसकी, स्किन की और इसकी बीमारियों की, स्किन से रिलेटेड बीमारियों की स्टडी को हम क्या कहते हैं. कम ऑन गाइस. स्किन से रिलेटेड डिस्पोंडेंसी, डेस्टिट्यूशन, डर्मेटोलॉजी, डेट्रीमेंटल, विच वन इज करेक्ट. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कहते हैं स्टडी से रिलेटेड अगर वर्ड आता है तो 99% वर्ड्स के लास्ट में LOGY देखने को मिले. और हमारे पास इन सारे ऑप्शंस में एक ही LOGY है. सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा. आपको लग रहा होगा कि हमने फोर वर्ड्स LOGY वाले क्यों नहीं डाले, कन्फ्यूज करने के लिए. इतने आसान फॉर्मेट में हमने आपको क्यों बनाया. सो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर शो है, ये पर्टिकुलर शो को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अभी प्रैक्टिस नहीं है, अभी ये सारे वर्ड्स आपको लर्न हो जाएं. जब ये लर्न हो जाएंगे तब हम यहां पर कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस आपको डालेंगे और फिर आप परेशान होंगे कि यार यहां पर ये स्टडी में कौन वाला स्टडी क्या है, लॉजी तो चारों में है, तब कंफ्यूज होंगे आप. ठीक है, तो अभी तो सिंपली आप लर्न करो इनका की मीनिंग क्या है. सो करेक्ट आंसर इज डर्मेटोलॉजी. दैट मींस द मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन, स्किन के स्टडी या स्किन से रिलेटेड बीमारियों की स्टडी को हम कहते हैं सर डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी. अब बाकी ऑप्शंस में आ जाइए सर. तो डिस्पोंडेंसी दैट मींस लॉस ऑफ कंप्लीट होप, पूरी तरीके से होप का लॉस करना, जिसको दूसरे लैंग्वेज में आप सैड भी कह सकते हो, डिसअपॉइंट भी कह सकते हो, है ना, उदास कह लीजिए आप. तो डिस्पोंडेंसी मतलब उदास होना, निराश होना, निराशा. डेस्टिट्यूशन दैट मींस लैकिंग बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो बेसिक नेसेसिटी, जो बेसिक आवश्यकता है जीवन की, उसकी लैकिंग को हम कहते हैं सर डेस्टिट्यूशन. बहुत अच्छा वर्ड है सर. यानी उसकी लैकिंग है, है ना, जो बेसिक नीड्स है उसे हम डेस्टिट्यूशन कहते हैं. डेट्रीमेंटल दैट मींस कॉजिंग हार्म और डैमेज, मतलब जिसको आप कहते हैं कॉजिंग हार्म, यानी हार्मफुल थिंग्स, दैट इज डेट्रीमेंटल. बहुत अच्छा वर्ड है डेट्रीमेंटल, तो कई बार पूछा भी गया है. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन डेट्रीमेंटल आपके बैंक के एग्जाम में भी मुझे क्लोज टेस्ट का एक ऑप्शन बन के मिला था. 2 से 3 बार मैं देख चुका हूं 5-6 साल के प्रीवियस ईयर सेट्स में. सो इसलिए डेट्रीमेंटल दैट मीन्स कॉजिंग हार्म और डैमेज, जिसको आप कह सकते हैं हानिकर, हार्मफुल, दैट इज डेट्रीमेंटल. बढ़ चलते हैं नेक्स्ट. वी हैव दैट इज स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स. थिंग्स को हैंडल करने में स्किलफुल होना, उसे हम क्या कहेंगे, स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स. याद कीजिए मैंने इससे रिलेटेड पॉइंट भी पढ़ाया है आपको, बहुत आसान है. पहला वर्ड है डेक्स्ट्रस, डिक्टेटरशिप, डायट्राइब एंड डिप्लोमेसी, विच वन इज करेक्ट. एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मेरे प्यारे बच्चों, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेक्स्ट्रस. यहां पर जो सही आंसर है वो डेक्स्ट्रस है. यानी डेक्स्ट्रस दैट मीन्स स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रस. तो बाकी ऑप्शंस में आ जाइए तो सर डायट्राइब, डायट्राइब मींस होता है बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग.
यानी बिटर एंड वायलेंट अटैक, किसमें इन वर्ड्स और राइटिंग उसे हम कहते हैं डायट्राइब, यानी कि वो बहुत ही बुरी तरीके से क्या करना, वायलेंट अटैक करना इन वर्ड्स और राइटिंग, वर्ड्स राइटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा वायलेंट अटैक करना। इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो क्रिटिसाइज करना, तो इसको आप क्रिटिसाइज कह सकते हो, निंदा करना, निंदा करना, कटु निंदा करना, इस टाइप से आप हिंदी वर्ड यूज कर सकते हो फॉर दिस डायट्राइब वर्ड। बहुत अच्छा वर्ड है आपके एग्जाम के लिए। डिक्टेटरशिप, दैट मीन्स गवर्नमेंट कैरीड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कैरीड करती है, जो चलाई जा रही है किसके द्वारा, एक एब्सोल्यूट रूलर के द्वारा, जिसको आप कहते हो तानाशाही। सो दिस इज तानाशाही इन हिंदी, दैट मीन्स डिक्टेटरशिप, दैट मीन्स गवर्नमेंट कैरीड बाय ऑन, यानी एब्सोल्यूट रूलर, एक फिक्स है, तानाशाही चल रही है, हमारी सरकार है, हमारा ही चलेगा। डिप्लोमेसी, दैट मीन्स द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ अ कंट्रीज स्टेटमैन एंड पॉलिटिशियन स्किल इन डीलिंग विद पीपल, यानी जिसको देखो डिप्लोमेसी हिंदी में पढ़े हो ना, कूटनीति जिसे कहते हैं, सो दिस इज कूटनीति इन हिंदी, दैट मीन्स डिप्लोमेसी, यानी आपके सामने इसका मीनिंग भी दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, क्लियर हो रहा है ना सारे बच्चों को? अभी सबको अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक बटन पे भी क्लिक करते चलिए हमारे साथ यहां पर, ठीक है। नाइन्थ वन, वी हैव डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, दो ऐसी चीजें जो सेम हो सकती हैं या होनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, ऐसी दो चीजें जो जिसमें डिफरेंस है जो सेम होनी चाहिए, क्या होगा इसका? डिसिमुलेट, डायर्नल, ड्रैपर या डिस्क्रिपेंसी, विच वन इज करेक्ट? कम ऑन गाइस, क्विकली जल्दी से बताइए। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डिस्क्रिपेंसी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर आपका डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा। बहुत अच्छा वर्ड है आपके लिए। बाकी ऑप्शंस की बात करें, सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज डिसिमुलेट, डिसिमुलेट मींस होता है टू हाइड और डिस्गाइज, इसका मतलब क्या होता है? छिपाना, हाइड करना है, डिस्गाइज छिपाना, है ना, छिपाना किसी चीज को, हाइड करना, उसे हम कहते हैं डिसिमुलेट। डायर्नल, दैट मींस ऑफ द डे टाइम, ऑफ द डे टाइम मतलब जो डे टाइम में, आज का भी डे टाइम, कल का भी डे टाइम, परसों का भी डे टाइम, डे टाइम, डे टाइम, डे टाइम, इट मींस जो डेली बेसिस पे है, इट मींस व्हाट, इट मींस जिसको हिंदी में आप कह सकते हो दैनिक होना, राइट? सो दैट इज जर्नल। एंड ड्रैपर मींस अ शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ्स एंड क्लॉथिंग, यानी कि जो कपड़े बेचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शॉपकीपर सेलिंग, बेच रहा है कपड़े, क्लॉथिंग, क्लॉथ एंड क्लॉथिंग, उसे हम कहते हैं सर ड्रैपर, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। टेंथ वन, वी हैव द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नीदर पार्टी विंस, कोई भी मैच जो नहीं जीतती है, मान लीजिए दो पार्टी खेल रही है, ये मैच, ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, दोनों का जो रन है वो यहां पे सेम हो गया, इसने भी 240 बनाए, इसने भी 240 बनाए, क्या बोलेंगे इसको सर? मैच क्या हुआ सर? द रिजल्ट ऑफ द मैच, मैच का रिजल्ट क्या हुआ सर? क्या ये ड्रॉफ हो गया, ड्रॉ हो गया, डेनेस्टी हो गया, एंड इस ड्रॉपर हो गया? हर बच्चे को आंसर पता है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्रॉ, यहां पर ड्रॉ होना चाहिए करेक्ट आंसर। तो बाकी ऑप्शन में देख लीजिए, ड्रॉफ का मतलब होता है बौना, अ पर्सन, प्लांट, एनिमल, कोई भी ऐसा है जो अपनी यूजुअल साइज से छोटा है, उससे हम कहते हैं सर ड्वार्फ, यानी कि बौना। क्लियर हो रहा है? तो ड्वार्फ मींस क्या होता है? बौना, हिंदी में याद रखिएगा। डायनेस्टी मींस होता है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, सक्सेशन ऑफ रूलर्स जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं उसे कहते हैं डायनेस्टी। हिंदी में इसको आप पढ़ते हो वंश, डायनेस्टी को हम वंश कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे वंश आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, बहुत सारी डायनेस्टी। नेक्स्ट वी हैव दैट इज ईस्ट ड्रॉपर, वन हु विटनेसेस सीक्रेटली टू प्राइवेट, किसी की बातों को चोरी छुपे सुनना, चोरी छुपे किसी की बातों को, चुपके से किसी की बातों को सुनना, विटनेस करना, उसे हम कहते हैं सर ईस्ट ड्रॉपर, मतलब सामने ऐसे नहीं आएगा, चोरी छिपे, छिपके, उसे हम कह सकते हैं सर, उसे हम कहते हैं सर ईस्ट ड्रॉपर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, कई बार आ चुका है, मिसेस पेल्ट में भी पूछा गया है सर, सिनोनिम में भी आ चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ चुका है सर, एंटो में भी आ चुका है, हर एक वर्ड में, हर एक टाइप के वो कैप बेस्ड क्वेश्चंस पे ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वी हैव वन हु इज केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी फ्यूल, जो केयरफुल है मनी या फ्यूल के यूज करने में, उसको हम हिंदी में कहते हैं सर किफायती, जो खत्म ना हो, किफायती, जैसे वाइफ, घरों की जो महिलाएं होती हैं वो खास तौर पे होती किफायती, है ना, चीजों को बचा बचा के चलती थोड़ी सी, कुछ तो ऐसी होती है लुटाती रहती हैं, तो ये लुटाने वाली नहीं, जो बचा बचा के चलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम किफायती कहते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिकल इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
तो बाकी ऑप्शंस में आ जाइए सर। एडिबल दैट मींस दैट विच इज फिट टू बी ईटन, ऐसी चीजें जो खाने योग्य है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, एक होता है एडिबल और एक होता है ईटेबल। ईटेबल, एडिबल एंड ईटेबल में डिफरेंस क्या है? एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, दोनों का डिफरेंस बताइए, तब तक हम और बाकी के दो वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। इफ्यूमिनेट मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसकी अदाएं यहां पर कैसी है सर, महिला के जैसी है। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो हाथों से इशारे लड़कियों जैसे करते हैं, ऐसे इशारे करने वाले पुरुष को हम बोलते हैं इफ्यूमिनेट। बात समझ पा रहे हो? इफ्यूमिनेट मतलब जो महिलाओं जैसे, औरतों जैसे, जिसमें लक्षण होते हैं, जिसके लक्षण खराब होते हैं। भाई मेल है तो मेल के लक्षण होने चाहिए, फीमेल के लक्षण हैं, और फीमेल है तो फीमेल के लक्षण होने चाहिए, मेल के लक्षण हैं। तो ओवरऑल क्या है, अगर किसी मेल का फीमेल जैसा हरकतें होती है तो उसे हम कहते हैं सर इफ्यूमिनेट। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, रट लीजिएगा इफ्यूमिनेट वर्ड। नेक्स्ट वी हैव दैट इज इगैलिटेरियनियन, सॉरी इट इज इगैलिटेरियनिज्म। सो इसका क्या मतलब होता है? इगैलिटेरियनिज्म That means belief that all people are equal and have the same rights and opportunity. हर एक को समान मानना, उसे हम कहते हैं सर वॉच, उसे हम कहते हैं egalitarianism. यानी हर कोई समान है, कोई भी छोटा बड़ा है ही नहीं। समानतावाद, समतावाद कुछ ऐसे हिंदी में बोलते हैं सर, तो उसे हम कहते हैं सर egalitarianism. Right? My question was, now let's come to this particular question. I was asking the difference between edible and eatable. हमें थोड़ा बच्चों से कनेक्ट करें। Edible and eatable का डिफरेंस मैंने आपसे भी पूछा था, बहुत ही सिंपल सा। प्यारे बच्चों edible और eatable का जल्दी से बताइए। हाँ कुछ लोग करण जौहर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, करण जौहर का एग्जाम्पल इफ्यू मिनट के लिए आप दे रहे हैं। हाँ कह सकते हो, चलेगा, चल सकता है, ठीक है। ऐसे केवल करण जौहर को मत बदनाम करो, अकेला वही नहीं है, पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग इफ्यूमिनेट वाली हरकतें होती है। और खास तौर पे आप मेट्रो सिटी में जाओगे ना तो वहां पर तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो पास में आने के बाद जब ऐसे अजीबोगरीब हरकतें करता है तो समझ में आता है। अभी इसमें बताओ डिफरेंस क्या है, चलो मैं बता देता हूँ सर। ईटेबल एंड ईटेबल बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। ईटेबल का देखो, ईटेबल वर्ड ईट से बना है। ईटेबल किससे बना है? ईट से बना है, और ईट का मतलब होता है खाना। ईट मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ईट मीन्स होता है खाना। तो ऐसी कोई भी चीज जो इंसान खा सकता है। अब खाने को तो कुछ भी खा सकता है ना इंसान, इंसान खाना भी खाता है, इंसान कुछ भी, जो भी आप खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। कुछ लोग तो मिट्टी खा जाते हैं, छोटा बच्चा मिट्टी खा जाता है। बारिश होती है तो लड़कियां कहती हैं कि यार मेरे को ना जो मिट्टी की खुशबू आ रही वो खाना है, किसी को कैथा पसंद है। कुछ मैंने देखा है एक लड़की को टेलर के यहाँ से उसका चौक चुराते हुए, जो कलरफुल चौक आता है, वो लड़की उसका चौक चुरा के ले गई और आगे चल के खा रही थी। मतलब दुनिया की कोई भी चीज जिसको आप खा लेते हो वो सारी की सारी चीजें ईटेबल होती है, ठीक। एंड एडिबल मीन्स होता है द थिंग दैट इज फिट फॉर कंजम्पशन, ऐसी चीज जो खाने योग्य है, मतलब जिसको खाने के बाद शरीर को नुकसान नहीं होगा। टेलर की चौक चुरा के खाओगी तो बताओ सेहत अच्छी बनेगी क्या? नुकसान होगा ना, कल का पेट दर्द करेगा तो कहोगे कि दवाई अब कराओ। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे क्या हुआ, उस कंडीशन में वो एटेबल थिंग थी, एडेबल नहीं थी। एडेबल दैट मीन समथिंग दैट इज फिट फॉर कंजम्पशन, ऐसी चीजें जो खाने योग्य है, ना कि कुछ भी उठाओ खा लो। बारिश हो रही, मिट्टी की खुशबू आ रही, मिट्टी है मारे पड़े, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया आप सारे लोगों को, एडिबल एंड ईटेबल का डिफरेंस क्या है, और बहुत ही सिंपल सा है। एडिबल मींस फिट फॉर कंजम्पशन। मैंने एक चीज देखा है, जब मार्केट से आप ऑयल लीजिए ना तो वहां पे ऑयल में लिखा होता है एडिबल, है ना, ऑयल में लिखा होता है एडिबल। तो एडिबल लिखा है जरूर होता है सर, लेकिन उसमें भी इतना मिलावट होता है, वो एडिबल नहीं, ईटेबल ही है। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो सर, ईटेबल है, एडिबल नहीं है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक शरीर को फायदा नहीं देता। लेकिन अगर आप छाछ पीते हो सर, दही खाते हो सर, मिल्क पीते हो सर, देसी घी खाते हो सर, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, एडिबल है, बिकॉज ऑल आर गुड फॉर योर हेल्थ, दैट्स व्हाई दे ऑल आर एडिबल। फाइन, तो आई थिंक समझ में आ चुका है। चलो बड़ा चलते हैं यहां पर, और फिर से हम चाहेंगे बच्चों को कनेक्ट कर दिया जाए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां तक हो चुका है 11 तक, चलो आगे बढ़ चलते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अ मैन हूज वाइफ इज डेड, एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ का डेथ हो चुका है उसको क्या कहते हैं? एक ऐसा आदमी, आदमी देखो, आदमी जिसकी वाइफ का डेथ हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? अगर वाइफ के हस्बैंड का डेथ होता है तो उसको हम विडो कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विधवा। और अगर हस्बैंड की वाइफ, मतलब आदमी की वाइफ का डेथ हो जाए तो उसे हम कहते हैं विडोवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है प्यारे बच्चों।
देखो इसमें से ईआर हटा दोगे तो वाइफ की डेथ वाले को बोलते हैं, और ईआर लगा दोगे तो मतलब देखो विडो का मतलब हुआ कि हस्बैंड की डेथ हो गई वाइफ जिंदा है, और विडोवर का मतलब हुआ वाइफ की डेथ हो गई हस्बैंड जिंदा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा थोड़ा सा, बाकी ऑप्शंस को देख लीजिए। यहां पे है एलिजिबल, एलिजिबल मींस फिट टू बी चूजन क्वालिफाइड, कहते हैं ना यार ये उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, सर मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला इस साल, मैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं, तो एलिजिबल का मतलब उसके लिए योग्य होना। इमरजेंसी मीन्स अ सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, कोई भी इमरजेंसी, यार समझते हो यार इमरजेंसी मतलब क्या कहते हैं इसको हिंदी, आपातकाल, इमरजेंसी होता है ना आपातकाल, आप कभी भी हॉस्पिटल में जाइए तो वहां पर लिखा होता है इमरजेंसी बोर्ड, और हिंदी में भी लिखे होते हैं आपातकाल कक्ष, है ना, तो वहां पर वो आपातकाल कह लीजिए इमरजेंसी। एंड इमेरिटस, इमेरिटस इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वन हु इज ऑनर ऑनरली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम सर्विस, किसी ने अपनी सेवा 25 साल किसी कंपनी में की पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ माले पहनाकर गिफ्ट देकर उसको रिस्पेक्ट के साथ डिस्चार्ज किया गया उसकी ड्यूटी से, उसे कहते हैं सर इमेरिटस। बहुत अच्छा वर्ड है इमेरिटस, है ना, बहुत ही अच्छा वर्ड इमेरिटस, याद रखिएगा, यानी सम्मान के साथ उसको उसकी सेवा से मुक्त करना, उसे हम कहते हैं इमेरिटस, यानी उस इंसान को कहते हैं सर वन हु इज गिवन, तो ये इंसान की बात हो रही है इस काम की नहीं। अ पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव, एक ऐसा इंसान जो दूसरे देश जाता है और वहां पर रहता है, क्या कहते हैं उसको, एक ऐसा इंसान जो दूसरे देश जाता है उसे वहां पर रहता है, हिंदी में कहते हैं प्रवासी, प्रवासी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों बताइए, हिंदी में कहते प्रवासी, इंग्लिश में कहते उसे इमिग्रेंट, यानी आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इमिग्रेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बाकी ऑप्शंस देख लीजिए। इमिजरी मतलब होता है अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन, एक ऐसा इंसान जो मिशन पर भेजा गया है, यूजुअली ऑफिशियल मिशन, ऑफिशियल मिशन, ना कि वाइफ ने भेज दिया किसी मिशन के लिए, वाइफ की मम्मी ने वाइफ को बोल दिया तुम ना ऐसा करो दामाद जी की जासूसी करो, और वहां पे दामाद जी की जासूसी का मिशन पे लगा दिया, तो ये कोई ऑफिशियल नहीं है, तो इसे इमिजरी मत कह देना सारे शादीशुदा लोगों, तो यहां पर ये आपका नहीं होगा। इमेजरी मतलब कोई भी ऑफिशियल मिशन पे कोई पर्सन है तो उसे हम इमेजरी कहते हैं, जिसको आप जासूस कह लीजिए हिंदी में, तो जासूस तो वाइफ भी होती है बहुत तगड़ी वाली, है ना, जितने मैरिड पीपल होंगे उन्हें पता है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज एपिक्योर, मींस पर्सन फॉन्ड ऑफ डिलीशियस फूड, जो खाने का बहुत ही शौकीन होता है, खाने पीने के कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं, मतलब खाने से मतलब है शरीर जाए भाड़ में, पेट निकला आ रहा है, जमीन नहीं दिख रही पेट के आगे, इतने शौकीन लोग हैं खाने के, ऐसे लोगों को हम कहते हैं एपिक्योर, मतलब जिम विम से मतलब नहीं है, बस खाए जाओ खाए जाओ, तो वो प्यारे बच्चों वो क्या होते हैं एपिक्योर होते हैं। एपिडेमिक, एपिडेमिक मींस डिसीज अफेक्टिंग मेनी पीपल एट द सेम प्लेस द एंड टाइम, मतलब ऐसी ऐसी कोई बीमारी जो एक ही जगह पर एक ही समय पर लोगों को अफेक्ट करती है, ऐसी बीमारी को हम कहते हैं संक्रामक रोग, है ना, जो फैलती चली जाती है, अभी हम लोग बात भी कर चुके हैं उस पर। सो ऐसी बीमारी को हम कहते हैं एपिडेमिक, दैट मीन्स संक्रामक, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है सारे लोगों को, ओके फाइन, नाउ मूविंग फॉर द टेकिंग नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर इट इज, अ स्पीच और अ पोएम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ अ प्ले, किसी प्ले के अंत में जो स्पीच या पोएम को रिसाइट किया जाता है, जो स्पीच दी जाती है, जो भाषण दिया जाता है, ऐसे भाषण को हम कहते हैं सर एपिलॉग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा वर्ड है एपिलॉग। बाकी ऑप्शंस एपिसोड, एपिसोड मींस पार्ट ऑफ स्टोरी, जो टीवी उबी का देखते हुए आप कि इसका कौन सा एपिसोड चल रहा है, ऐसे बोलते ना कौन सा एपिसोड चल रहा है, कौन सा एपिसोड मतलब समझ जाओ एपिसोड क्या होता है ना। एपिसोडिक मींस होता है हैपनिंग ओनली सम टाइम्स एंड इरेगुलरली, एपिसोडिक यानी कोई भी ऐसी घटना जो कभी कभी होती है, तो हैपनिंग ओनली सम टाइम्स एंड रेगुलर नहीं है, इरेगुलरली होती है, उसको कहते हैं एपिसोडिक, कभी कभी होने वाली घटना। एपिस्टोल मींस होता है अ लेटर, अरे लेटर को कहते हैं यार, लेटर होता है जो पत्र कह लीजिए, धर्म पत्र भी हो सकता है, कोई भी पत्र कह लीजिए, धर्म पत्र, काव्य पत्र, कोई भी पत्र, फाइन, सो दैट इज एपिस्टोल, राइट। सो काफी अच्छे वर्ड्स यहां पर है, ये सारी आपको लर्न होने चाहिए। वर्ड्स विच आर इनक्रेब्ड ऑन द ग्रेव, ग्रेव मतलब कब्र, कब्र पे लिखे गए शब्दों को क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे बताइए, एपिथेट, एपिटॉम, एपिटाफ एंड एपिटोमाइज, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, क्विकली गाइस, I want answer in 5 seconds. And time complete hota hai. Words which are in
इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव आर एक्चुअली नोन एज इपिटाफ। बिल्कुल सही जवाब है, काफी लोगों ने इपिटाफ मार्क भी किया है, तो सही आंसर आपका इपिटाफ हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए। इपिटोमिस होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, ये किसी के लिए भी आप यूज कर सकते, एक परफेक्ट एग्जाम्पल दैट इज एपिटोम, अ परफेक्ट एग्जाम्पल, एक सटीक उदाहरण, उसे हम कहते हैं इपिटोम। लाइक यू कैन से राजा हरिश्चंद इज एक्चुअली द इपिटोम ऑफ ऑनेस्टी, राजा हरिश्चंद इज द इपिटोम ऑफ ऑनेस्टी। तो इपिटोम है वो किसके, परफेक्ट एग्जाम्पल है किसके, ऑनेस्टी के, ईमानदारी के, है ना। तो इस टाइप से आप इसका इपिटोम का यूज करते हैं, दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल। इपिटोमाइज मीन्स होता है टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल होना, किसी को कोई उसका एग्जाम्पल होना, उसे हम कहते हैं इपिटोम, उसी इज बनाए टू इपिटोमाइज। एंड एपिथेट मीन्स होता है एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम यूजुअली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम, उसके बारे में कुछ अच्छा कहना या बुरा कहने के लिए जो यूज किया जाता है एडजेक्टिव, उसे हम कहते हैं, यानी आप इसको कहते हैं क्या, एपिथेट। क्लियर हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, एपिथेट, यानी एडजेक्टिव यूज करना। एडजेक्टिव का मतलब उसको, उसके बारे में कुछ क्वालिफाई करने के लिए जो यूज किया जाता है, फाइन, सो दैट इज एपिथेट। नेक्स्ट मूव करते हैं, कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर, कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर क्या होना चाहिए, इरोटिका, इरुडाइट, स्पेनिश एंड और इक्वानिमिटी, विच वन इज करेक्ट, क्विकली गाइज जल्दी से आंसर कीजिए, कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर विच वन इज करेक्ट, कामनेस ऑफ माइंड, माइंड और टेम्पर से काम रहे, शांत रहे, उसे हम कहते हैं सर इक्वानिमिटी। यस, जी हां, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शंस ले लीजिए सर, इरोटिका, देखो हिंदी तो समझ जा रहे हो ना, इक्वानिमिटी दैट इज कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर, माइंड और टेम्पर से काम रहे मतलब बहुत ही धैर्यपूर्ण इंसान है, तो हम इसको धैर्य यूज करेंगे, राइट। इरोटिका मीन्स होता है बुक्स, पिक्चर्स एटसेट्रा इंटेंडेड टू अरोज सेक्सुअल डिजायर, ऐसी कोई बुक, ऐसी कोई ग्रंथ, ऐसी कोई किताब जो सेक्सुअल डिजायर को क्या करती है, बढ़ाती है, है ना, तो आप इसको कहते हो अश्लील किताब, उसे हम कहते हैं सर इरोटिका। क्लियर है, तो ये इरोटिका हो गया। एरुडाइट मीन्स होता है अलर्नड और स्कॉलरली पर्सन, जिसको आप विद्वान कह सकते हैं, वाइज कह सकते हैं, विद्वान पुरुष को हम कहते हैं एरुडाइट, बहुत अच्छा वर्ड है। एस्पियोनेज मीन्स होता है प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, जासूसी की प्रैक्टिस करना, मतलब जासूसी करना, उसको हम कहते हैं एस्पियोनेज, बहुत अच्छा वर्ड है, एस्पियोनेज भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट वी हैव एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगनिंग और एंड, जिसका कभी भी एंड नहीं होता, कोई शुरुआत नहीं होती, जो हमेशा के लिए होता है, हमेशा के लिए जो होता है, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, बताइए, आप बताइए पहले, क्विकली गाइज, अमित शर्मा आंसर कीजिए जल्दी से, सोनू कुमार आप भी करो, रजनीश, मनोज, जितेंद्र, एवरीवन जस्ट आंसर क्विकली, नेहा आप भी आंसर करो, एंड द करेक्ट आंसर इज इटर्नल, जी हां, एग्जिस्टिंग फॉर एवर, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, उसे हम इटर्नल कहते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। तो बाकी ऑप्शंस ले लीजिए, इटाइमोलॉजी आप याद कीजिए, मैं आपको वो कैप पढ़ाता हूं इटाइमोलॉजी से, कुछ सेशन हमने डाले हैं इसमें, तो इटाइमोलॉजी मीन्स होता है द साइंस विच डील्स विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स की डेरिवेशन पे काम करता है, शब्दों के निर्माण पर काम करता है, ऐसे विज्ञान को, ऐसे साइंस को हम कहते हैं इटाइमोलॉजी। यूफेमिज्म मीन्स होता है बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, यूफेमिज्म दैट इज जो बॉम्बास्टिक स्टाइल है राइटिंग की, उसे हम कहते हैं यूफेमिज्म, शैली है, स्टाइल मतलब शैली, तरीका लिखने का, उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज यूफोनियस, यूफोनियस मीन्स होता है साउंडिंग प्लीजेंट, अच्छी आवाज, साउंड मतलब अच्छी, प्लीजेंट मतलब अच्छी, साउंडिंग मतलब आवाज, तो अच्छी आवाज, मीठी आवाज, सुरीली आवाज, उसे हम कहते हैं यूफोनिज्म। और बाय द वे ये जो ईयू होता है ना, ये इसका 90% वर्ड्स में ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 99% बाय द वे ये चलता है, ठीक है। बढ़ चलते हैं, स्ट्रांग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अ स्ट्रांग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज नोन एज व्हाट, कम ऑन गाइस आंसर दिस वन क्विकली, इज इट इवैनिसेंट, एक्सप्लिकेबल, यूफोरिया और एक्सटेम्पो, विच वन इज करेक्ट, जल्दी बताइए। एंड टाइम कंप्लीट होता है, द करेक्ट आंसर इज यूफोरिया, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने भी मार्क किया है यूफोरिया, दैट मीन्स
अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा खुश होना, अत्यधिक खुशी होना, उसे हम कहते हैं यूफोरिया। पॉजिटिव वर्ड है ना, यू आया हुआ है। बाकी ऑप्शंस में आ जाइए सर, तो इवैनेसेंट मींस होता है ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड, जो कम समय के लिए होता है, जो लंबे समय के लिए नहीं होता, जो लंबे समय के लिए होता है उसको हम कहते हैं स्थायी होना, और जो कम समय के लिए होता है दैट इज अस्थायी होना, तो जो अस्थायी नहीं है दैट इज इवैनेसेंट। एक्सप्लिकेबल दैट मीन्स दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, यानी ऐसी चीज जो एक्सप्लेन की जा सकती है उसे हम कहते हैं सर एक्सप्लिकेबल। एन एक्सटेम्पर मीन्स ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, जैसे कुछ लोग होता है ना ऐसे बस बैठा दिया गया, खड़े कर दिया गया और बोलो तो बोलना शुरू करिए विदाउट एनी प्रिपरेशन, और उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, इट मीन्स ये स्पीच को हम बोलेंगे एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर। क्लियर? एन एक्सटेम्पर मतलब बिना तैयारी के जो स्पीच दी जाती है उसे एक्सटेम्पर कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव पब्लिक एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन अ वेरी एलेबरेट कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे। पब्लिक एक्टिविटी विच टेक्स क्या, विच टेक्स प्लेस इन अ वेरी एलेबरेट कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे, उसे क्या कहेंगे, फैलासी, एक्स्ट्रावेगेंजा, फैनेटिक और फास्टूडियस, कौन सा करेक्ट है बताइए क्विकली। एके पांडे साहब आंसर कीजिए जल्दी, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान मत होइए, वीडियो जैसे कंप्लीट होगा 10 मिनट बाद आप चेक कीजिएगा, आपको पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, एक्टिविटी है तो दैट इज नाटक, और ये स्पेशल है क्योंकि कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे है इसका। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में आ जाइए, तो फैलासी मींस होता है फॉल्स आर मिस्टेकन बिलीफ, फॉल्स आर मिस्टेकन बिलीफ, यानी ये बिलीफ है और ये बिलीफ कैसा है, फॉल्स है, तो ऐसी बिलीफ को हिंदी में कहते हैं सर भ्रम। भ्रम का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होना, मतलब श्योर नहीं होना, जो चीज बता रहा है उसमें डाउट है। फैनेटिक मीन्स वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म, दैट इज फैनेटिक। वन हु, वन मतलब यहां पे पर्सन की बात किया, जो फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन, मिस्टेकन एंथुसियाज्म, एक्सेसिव एंथुसियाज्म, यानी ऐसे इंसान को हम कहते हैं सर कट्टरवादी। तो फैनेटिक का मतलब होता है यहां पर, आप याद रख लीजिए, हिंदी में कट्टर कहते हैं। फास्टिडियस मीन्स वन हु इज हैंड, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, जो बहुत मुश्किल है जिसे क्या करना, खुश करना, और यहां पर भूपिंदर का कहना है नकचढ़ा कहते हैं इसको, बिल्कुल सही जवाब है भूपिंदर, फास्टिडियस यानी नकचढ़ा कह लीजिए, ड्रामेबाज कह लीजिए, नखरेबाज कह लीजिए, यानी ऐसा जिसको खुशी ना किया जाए, पेट में गुदगुदी कर रहे तो भी ना हंस रहे हैं, चॉकलेट टॉफी सब ला के दे रहे तो भी ना हंस रहे, ऐसे इंसान को कहते हैं फास्टिडियस ना, मतलब आसान नहीं उसको खुश करना। रिजल्टिंग इन डेथ क्या कहते हैं, फैटल, फैटलिस्ट, फौना एंड फेमिनिस्ट, कौन सा होगा, रिजल्टिंग इन डेथ, जानलेवा जो होता है जिसका रिजल्ट क्या है, डेथ, जानलेवा बीमारी, कुछ भी हो सकता है, बताओ। सो जी हां, बिल्कुल सही आंसर है, और ये होता है फैटल, फैटल कहते हैं सर घातक, जानलेवा। बाकी ऑप्शंस देख लीजिए, फैटलिस्ट मींस वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी, जो भाग्य पर भरोसा करता है, डेस्टिनी भाग्य पर भरोसा करता है, ऐसे इंसान को हम कहते हैं सर फैटलिस्ट, फैटलिस्ट का हिंदी मीनिंग भाग्यवादी। फौना मींस एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, एक सर्टेन रीजन के जो एनिमल्स होते हैं उसे हम फौना कहते हैं। ठीक, फेमिनिस्ट मींस वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो वुमेन के वेलफेयर में जो काम करने वाले लोग होते हैं इन लोगों को हम फेमिनिस्ट कहते हैं, और ऐसे हिंदी में इसको कहते हैं सर नारीवाद, याद रखिएगा नारीवाद, इसको हिंदी में कहते हैं नारी, बाय द वे नारीवाद यहां पे कहते हैं, लेकिन ये बात यहां पे बात पर्सन की हो रही तो ये पर्सन नारीवाद नहीं, नारीवादी कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है फेमिनिस्ट। कंप्लीट फेलियर, ओ क्या कहेंगे इसको, कंप्लीट फेलियर, क्या है ये, क्या ये आपका फ्लैगस्टॉफ है, फ्लोरा है, फ्लूक है, फियोस्को है, कौन सा होगा। यस, नौशीन फातिमा करेक्ट आंसर है आपका, इन हिंदी नारीवादी, यस यस यस, बिल्कुल सही जवाब है, अभी इसका आंसर कीजिए, कंप्लीट फेलियर, एंड द करेक्ट आंसर इज फियोस्को, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, आप लोग सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है। बाकी का देख लेते हैं सर, फ्लैग स्टॉफ मीन्स अ लॉन्ग पोल ऑन विच अ फ्लैग इज फ्लोन, मतलब एक लंबा सा जो डंडा होता है जिसमें हम फ्लैग को क्या करते हैं सर, जिसमें हम फ्लैग को ऐसे ऐसे लगाते हैं, तो ये जो डंडा है ना सर, ये डंडा हमारा, ये वाला डंडा, ये जो डंडा है ना इसी को हम कहते हैं फ्लैग स्टॉफ, तो याद रखिए फ्लैग स्टॉफ क्या है, फ्लैग वाला डंडा, इसी को हम फ्लैग स्टॉफ कहते हैं। ठीक है, फ्लोरा मीन्स ऑल द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और पीरियड ऑफ टाइम, उससे हम कहते हैं सर फ्लोरा, फ्लोरा मतलब ऑल द प्लांट्स, यानी वनस्पति से रिलेटेड है, तो वनस्पति हो गया आप इसका फ्लोरा का मीनिंग।
और फ्लूक का मतलब होता है स्ट्रोक ऑफ गुड लक, गुड लक का स्ट्रोक है, मतलब किस्मत से हो जाना, इसका मतलब टैलेंट से नहीं हुआ सर, किस्मत से हुआ। तो किस्मत से होना मतलब अचानक, तुक्का जिसको आप बोलते हो ना, तुक्का हो जाना, तो ये तुक्का है, फ्लूक का मतलब तुक्का है ना, सडन जो लक होता है, सडन सक्सेस होती है, उसे हम कहते हैं सर आपका क्या, उसे कहते हैं फ्लूक। ठीक है, एंड थैंक यू, आर्ट अच्छी है, तिरंगा अच्छा है, थैंक यू। आगे बढ़ चलते हैं, काउंटर फीडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, काउंटर फीडिंग मतलब होता है फेक। ठीक है, तो काउंटर फीडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का काउंटर फीट होना मतलब जाली होना, नकली होना, डुप्लीकेट होना, क्या होगा? अरविंद कुमार आपने सही आंसर किया है, अभी इसका बताइए। और अगर पसंद आ रहा है यार तो सारे लोग लाइक कर दो, अभी कुछ लोग के लाइक्स बाकी हैं करना, मतलब अपना फीडबैक देना अभी बाकी है, तो फटाफट आप सारे लोग अपनी एक्सपीरियंस हमें लाइक पर बटन पर प्रेस करके बता सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और इसको बताइए क्या होना चाहिए। फ्रैट्रीसाइड, फ्रेंजी, फ्रॉस्टबाइट या फ्रोजरी, फॉर्जरी, क्या होना चाहिए? यस सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉर्जरी होता है प्यारे बच्चों, फॉर्जरी का मतलब होता है जाली, जालसाजी, कुछ भी कह लीजिए। बाकी ऑप्शंस में आ जाइए। फ्रैट्रीसाइड मैंने आपको बताया, साइड लग गया इसका मतलब ये किलिंग होगा सर, रूट वर्ड है याद रखिएगा, साइड जिसमें लगेगा, फ्रैट्रीसाइड, पेट्रीसाइड, सोरोरीसाइड, इंसेक्टीसाइड, बहुत सारे साइड होते हैं, तो यहाँ पे फ्रैट्रीसाइड मतलब किलिंग है, किसका, खुद के भाई का मर्डर अगर कर दे तो उसको हम फ्रैट्रीसाइड कहते हैं। फ्रेंजी मीन्स होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, एक स्टेट ऐसा जो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट का है उसे फ्रेंजी कहते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होना। एंड फ्रॉस्ट बाइट मीन्स होता है इंजरी टू द नोज, फिंगर और टोज, कॉज किसके, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंडी की वजह से, बहुत ज्यादा ठंड की वजह से, एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से इन जगहों पे क्या हो गया, इंजरी हो गया है ना, तकलीफ पहुंच गई, तो उसको हम कहते हैं सर फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है, 23rd, अ रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, एक ऐसा रूम या बिल्डिंग जो वर्क या आर्ट को शो करने के लिए होता है उसे क्या कहेंगे, गैम्बल, गैस्ट्रोनॉमी, गैलरी या जेनोसाइड। फिर एक साइड आ गया ना, तो समझ जाओ ये तो हो गई नहीं, बाकी मैं से बताओ क्विकली, क्विकली गाइस, गैम्बल, गैस्ट्रोनॉमी, गैलरी एंड जेनोसाइड, यार बहुत आसान है, आप सारे लोग जानते हो, हाँ सही है, गैलरी होता है, सही बात है, गैलरी करेक्ट आंसर है, बाकी देख लीजिए। गैम्बल मीन्स होता है टू प्ले गेम्स और चांस, किसके लिए, मनी के लिए, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हो, जुआ खेलना, तो ये है गैम्बल, मतलब जुआ, गैम्बलिंग, जुआ। गैस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है साइंस एंड आर्ट फॉर ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड फूड, गुड फूड को प्रिपेयर करने, अप्रिशिएट करने वाली चीज के साइंस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोनॉमी। बात समझ पा रहे, गैस्ट्रोनॉमी मतलब क्या है, अच्छा, प्रिपेयरिंग अप्रिशिएटिंग गुड फूड, अच्छे फूड को बताने वाला जो साइंस है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। एंड जेनोसाइड मीन्स होता है, देखो जेनो जो बना है वो जेनेटिक से बना है, और जेनेटिक का मर्डर करना यानी एक्सटर्मिनेशन, खत्म कर देना, हत्या कर देना, तबाह कर देना ऑफ रेसेस, पूरी की पूरी कम्युनिटी या रेस को, उसे हम कहते हैं जेनोसाइड। क्लियर है? तो यानी आप पूरी की पूरी जनरेशन यानी नरसंहार जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, जेनोसाइड हिंदी मीनिंग नरसंहार। दिस इज द सेकंड लास्ट, द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स, क्या कहते हैं इसको, अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स, एक यहां पे भी साइड है तो ये तो कैंसिल, जर्मिसाइड, जर्म से बना, कीट कीटाणुओं का ही मर्डर हो गया यहां पे, बाकी को बता दो आप। जियोलॉजी, ग्लूटेन, गोबल, तीन में से कौन सा है, द साइंस ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड रॉक्स, कम ऑन गाइस क्विकली, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, जियोलॉजी होगा ऑप्शन नंबर बी, जियोलॉजी जिसको आप पढ़ते हैं, जिसको आप, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जियोलॉजी, बाकी ऑप्शंस देख लीजिए। जर्मिसाइड मतलब जर्म्स का जो है उसको मारना, उसे हम जर्मिसाइड कहते हैं। ग्लूटेन मींस वन हु ईट्स टू मच, जिसको भुक्कड़ आप कहते हो ना, भुक्कड़, पेटू, जहां देखो बस लगा हुआ है, कहीं भी देखो बस लगा हुआ है, पेटू कह सकते हो, भुक्कड़ कह सकते हो, ग्लूटेन मतलब होता है भुक्कड़। ठीक है, एंड गोबल मींस होता है ईट फास्ट नॉइजली एंड ग्रेटली, मतलब इतना तगड़ा खाना कि आवाज आ रही है, कच्चर कच्चर, चटर चटर, पटर पटर, ऐसे लोग, ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं सर, गोबल, यानी कि जोर जोर से खाना, लालची कह लो आप, ये ग्लूटेन का आप सिनोनिम ही डाल सकते हो, ऐसे जो जोर से खाता है उसको क्या कहते हैं सर, ग्रीडी कह सकते हो आप, ग्लूटेन पेटू कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाकी ऑप्शंस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, अभी तक 96 हो चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब बचे 4, डन और ऑब्टेंड विदाउट पेमेंट, डन और ऑब्टेंड
विदाउट पेमेंट, जो बिना पेमेंट की हुई, इसका मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, उसे क्या कहेंगे? हॉल्यूसिनोजेन, ग्रेट्यूनस, ग्रिगेरियस या हेडोनिज्म, विच वन इज करेक्ट? हेल्यूसिनोजेन, ग्रेट्यूटस, ग्रिगेरियस और हेडोनिज्म, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहां पे? जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, उसे हम क्या कहेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, निःशुल्क का मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर आप मार्क करेंगे ग्रेट्यूटस, दैट मींस निःशुल्क, याद रख लीजिएगा इसके लिए। बाकी ऑप्शंस देख लीजिए, ग्रिगेरियस मींस होता है एनिमल दैट लिव इन फ्लॉक, ऐसे जो झुंड में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उसे हम कहते हैं ग्रिगेरियस, झुंड में रहने वाले, फ्लॉक, झुंड, फ्लॉक मतलब झुंड, समूह में रहने वाले एनिमल्स। हेल्यूसिनोजेन मींस होता है अ ड्रग दैट कॉजेज वन टू हेलुसिनेट, यानी जो ऐसी दवा, एक ऐसा ड्रग जो क्या करती है, हेलुसिनेट करती है, मतलब हेलुसिनेट मतलब उसको हेलुसिनेट कर देती है, भ्रम कर देती है, दिमाग काम करना बंद करा देता है, ऐसी दवा को हम कहते हैं हेलुसिनोजेन। एंड हेडोनिज्म मींस होता है बिलीफ दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लीजर, एक ऐसा इंसान जिसका मतलब हेडोनिज्म मतलब एक ऐसी बिलीफ, एक ऐसा मान्यता, एक ऐसी मान्यता जो ये बताए कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, वो है हमारा क्या, प्लेजर। ठीक है, तो ऐसे इंसान, ऐसी चीज को हम कहते हैं, ऐसे बिलीफ को हम कहते हैं सर हेडोनिज्म। तो आई थिंक यहाँ पे प्यारे बच्चों अब सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट डज इट मीन हेडोनिज्म, हेलोसिनोजेन एंड ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मतलब जो फ्लॉक में रहने वाले एनिमल्स है, झुंड में रहने वाले एनिमल्स को ग्रिगेरियस कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर था फ्री ऑफ कॉस्ट का ग्रेट्यूटस, बाकी देख लीजिए हेलुसिनोजेन दैट मींस अ ड्रग जो क्या करती है, किसी के दिमाग को काम करना बंद करा देती है, सोचने समझने की क्षमता खत्म। ठीक है, और वो आप इसको अल्कोहल भी कह सकते हो क्योंकि दारू पीने के बाद इंसान का दिमाग काम नहीं करता, उल्टा पुल्टे हरकतें करता है। एंड हेडोनिज्म मींस बिलीफ दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज प्लेजर, एक ऐसा बिलीफ जो ये बताता है, एक ऐसी बिलीफ कि दुनिया में सबसे बढ़िया चीज जो है ना वो मजे है, बस मजे लो बाकी दुनिया जाए भाड़ में, तो ऐसा जो मान्यता है उसे हम कहते हैं हेडोनिज्म। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने कंप्लीट किए फिर से 100 वर्ड्स, आई होप आप सारे लोगों को मजा आया होगा, और मुझे बता दीजिए मजा आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्योंकि आपके लिए ये सारा एफर्ट करना पड़ता है, इतने सारे वर्ड्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ते हैं, और पूरा पीपीटी आपके लिए बनानी पड़ती है, स्कोर हमें बताइए आपका क्या आया। मैंने ऑप्शंस इतने टफ नहीं डाले थे, तो मेरा जो इंटेंशन है आप समझ लीजिए, मैं ये शो क्यों लेकर आया हूं आपके लिए, कोशिश मेरी है मिनिमम 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको लर्न कराऊं। दूसरी चीज, ये इजी ऑप्शंस हैं, अभी एक्सरसाइज तो आपके लिए बाकी है सर, लेट मी कंप्लीट 500 फर्स्ट, पहले मुझे 500 पूरे कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आपके लिए ऑप्शंस मिक्स करके लाऊंगा, खतरनाक खतरनाक वाले, और फिर वहां पर आप चेक कीजिएगा अपना स्कोर, क्या स्कोर आता है। अभी तो ये सिंपल था सर, अभी तो लर्न करा रहा हूं, सीधा 1 से 100 तक कराता तो शायद आप बोर होते क्योंकि आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते इसमें। ये शो इसलिए इस टाइप से, इस फॉर्मेट में डिजाइन किया गया सो दैट यू गाइस कैन पार्टिसिपेट, आपको मजा भी आता रहे और आप नॉर्मल तरीके से अपना स्कोर भी चेक करते रहो। स्कोर तो मुझे ऐसे बताओ, आपका 100 में से कितने पहले से लर्न थे, ये बताना है आपको। ठीक है, ये आपको चेक करना है, बताना कि ये आपको देखना है कि 100 में से पहले कितने लर्न थे, ये 25 नहीं, 100, जो 100 हमने दिया उसमें से पहले से कितने लर्न थे, क्या 100 के 100 पूरे लर्न थे? जो बच्चे यहां पे 25 आउट ऑफ 25 कर रहे हैं वो मुझे लिख के बताएं 100 आउट ऑफ 100 है, अगर नहीं तो जो बच गए उसको रट्टा मारो। राइट, ओके प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा आप सारे लोगों के साथ इसको शेयर करके, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमेशा की तरह। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ऑफलाइन होने पर इसको फिर से देखिए और इसका हिंदी मीनिंग नोट कर लीजिए इफ इट नीड्स, अगर आपको जरूरत है इसकी तो आप यहां पे कर सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करें महिंद्रा गुरु को क्योंकि महिंद्रा गुरु डेडिकेटेड है आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे अगले शो में कुछ धमाकेदार लेकर। और एक चीज और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, क्योंकि अभी हमें जो इंपॉर्टेंट लग रहा है हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हाँ इसके बाद ये एक सीक्वेंस बना रखा है कि सारी चीजें एक साथ चलती रहे, कोई छूटे ना। आपको क्या लगता है, आप किस वीडियो को पहले देखना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे फटाफट वो सारे टॉपिक ऑफलाइन होने पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके टॉपिक की प्रायोरिटी देने की, यानी उसे पहले क्लास उसकी कराने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय। सपोर्ट
सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पे क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट।